दोस्तों आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में अब केवल एक दिन का समय बाकी है। खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सभी टीमें कमर कस चुकी हैं। पंजाब किंग्स भी ऑक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर पीबीकेएस की ज़रूरतों की बात करें तो उसे ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सकें, यानी कि पंजाब को ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है। एक दो अच्छे ऑलराउंडर पंजाब किंग्स ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ऑलराउंडर्स की बात करेंगे जिन्हें पंजाब किंग्स मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स के बड़े फैन तो उस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें पहले ऑलराउंडर की जिन्हें पंजाब किंग्स टारगेट करेगी, वो हैं कैमरून ग्रीन। पंजाब किंग्स टीम में ओडियन स्मिथ की जगह लेने के लिए सबसे परफेक्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन। पंजाब के फॉर्मर हेड कोच अनिल कुंबले भी ये कह चुके हैं कि इस टीम को कैमरून ग्रीन को खरीदना चाहिए। ग्रीन लंबे कद के खिलाड़ी हैं और तेज गेंदबाजी के साथ लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं। इस समय जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। भारतीय पिचों पर भी हम उनकी बल्लेबाजी को देख चुके हैं। जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के खिलाफ T20 सीरीज में 250 लगाई थी, पीबीकेएस के मिडिल ऑर्डर में वे एकदम फिट बैठते हैं। तीसरे नंबर पर वे बैटिंग कर सकते हैं। ग्रीन को अपने पाले में करने के लिए कई टीमों में होड़ मचने वाली है। पीबीकेएस की कोशिश भी इस ऑलराउंडर को खरीदने की होगी और एक बड़ी कीमत देकर वे इस खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। अब दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो वो हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स एक प्रूवन मैच विनर खिलाड़ी हैं और ये हम कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में देख चुके हैं। इंग्लैंड को ODI और T20 का चैंपियन बना चुके हैं। IPL में भी स्टोक्स ने अपने हुनर का दम दिखाया है। 43 IPL मैचों में इस इंग्लिश ऑलराउंडर ने 920 रन बनाए हैं और 28 विकेट चटकाए हैं। पंजाब का पर्स बैलेंस 32 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस खिलाड़ी को खरीदने में। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा भी उन पर खर्च करना पड़े तो पंजाब किंग्स आसानी से खर्च कर सकती है। ऐसे में पंजाब किंग्स को ज़रूर ऑक्शन में बेन स्टोक्स के पीछे जाना चाहिए। अब तीसरे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें पंजाब टारगेट करेगी, वो हैं जेसन होल्डर। ओडियन स्मिथ के रिप्लेसमेंट के तौर पर पंजाब किंग्स जेसन होल्डर को खरीद सकती है। होल्डर स्मिथ से कहीं ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल के साथ उन्हें IPL का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वे पंजाब के लिए पूरे 4 ओवर तेज गेंदबाजी करेंगे तो साथ ही लोअर ऑर्डर में फायर पावर का काम भी करेंगे। IPL में उनके आंकड़े काफ़ी ज़बरदस्त हैं। 38 IPL मैचों में होल्डर ने 49 विकेट चटकाए हैं और 243 रन भी बनाए हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स जेसन होल्डर पर दांव लगा सकती है। तो दोस्तों, ये हैं वो टॉप 3 ऑलराउंडर जिन्हें पंजाब किंग्स कल ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। आप किस ऑलराउंडर को पंजाब किंग्स की जर्सी में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। पंजाब किंग्स और IPL से जुड़ी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।